Hello, my dear students, how are you? I hope all of you are fine. Stay home, stay safe during COVID pandemic. So, students, right now I am going to start a subject, electrical circuit analysis. This subject is generally third semester in every university in electrical engineering, other than like Bihar. In Bihar, this subject is in fourth semester. And AKTU, UP, this subject is in fourth semester. Otherwise, in RGPV, Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalay Bhopal, Bikaner Technical University, Bikaner, Rajasthan Technical University, Kota, and IKG PTU, Kapurthala. The syllabus of electrical circuit analysis is in third semester. Maybe somewhere the name is circuit theory, electrical circuit analysis, network analysis and synthesis. But the subject content is overall same. I just take a syllabus of IKG PTU as a reference, but I will go with entire syllabus of circuit analysis as per as the GATE curriculum, Graduate Aptitude Test of Engineers curriculum के through मैं चलूँगा, ताकि आपको पूरा का पूरा concepts मिले. तो बेसिक हम लोग पहले यूनिवर्सिटी के थ्रू पीपीटी पे उसके सारे थ्योरीज पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट बोर्ड पे आपको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा. लेक्चर्स लेंथ मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स, उससे लेस भी हो सकते हैं, क्योंकि थ्योरी जब मैं कराऊंगा, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल जैसे मैं नेटवर्क थ्योरम कोई कराऊंगा, तो थ्योरम अलग होगा, उसका न्यूमेरिकल फिर बाद में, ताकि आपको ज्यादा लेंथी नहीं लगे और आप ज्यादा बोर नहीं हो. इसलिए मैं कम से कम टाइम में उस पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट्स लेके आपको डिलीवर करूंगा. तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं, तो एनी यूनिवर्सिटी में दीज आर दी कोर्स आउटकम्स. ये कोर्स आउटकम्स है, पहला होता है अप्लाई नेटवर्क थ्योरम फॉर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑब्टेन द ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, थर्ड इज एनालाइज सर्किट इन द सिनुसाइडल स्टडी स्टेट, एनालाइज टू पोर्ट सर्किट बिहेवियर एंड सिंथेसिस नेटवर्क एंड फिल्टर्स. ये जो आपका है, ये आईकेजी पीटीयू के हिसाब से कोर्स आउटकम है. आईकेजी पीटीयू में कहीं पे ग्राफ थ्योरी नहीं है, किसी अदर यूनिवर्सिटी में ग्राफ थ्योरी है, तो मैं वो भी कराना है मुझे. जैसे इसने डायरेक्ट थेवेनिन थ्योरम से स्टार्ट किया है, तो मैं थ्योरम से स्टार्ट नहीं करूंगा. बिफोर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपके 5 से 6 वीडियो लेक्चर्स बनेंगे. किस किस पे? केवीएल केसीएल के थ्योरी पे एक बनेगा, केवल केवीएल केसीएल के न्यूमेरिकल पे एक बनेगा, सीरीज पैरेलल एनालिसिस पे एक बनेगा, ठीक है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन पे एक बनेगा, उसके बाद सोर्स कन्वर्जन पे एक बनेगा, फिर मेस और नोडल एनालिसिस पे एक एक बनेगा. वो सारा बन के जब मैं बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर कर दूंगा, देन आई विल गो फॉर बेसिक नेटवर्क एनालिसिस. हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम, और थ्योरम स्टार्ट करने के बाद पहले हम डीसी के थ्योरम्स को करेंगे कंप्लीट, डीसी सर्किट्स के लिए. देन वी विल गो फॉर फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट्स. एसी सर्किट्स के फंडामेंटल हम लोग क्लियर करेंगे. एसी सर्किट्स के फंडामेंटल क्लियर करने के बाद हम लोग उसी सारे थ्योरम्स को फिर से एसी पे अप्लाई करेंगे. ये करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एसटीडी एनालिसिस. आप देख रहे हो इसमें फिर हम जाएंगे लाप्लास पे, कपल्ड सर्किट पे, ग्राफ थ्योरी पे, जिस पे भी जाना है बाद में जाएंगे, या टू पोर्ट नेटवर्क पे. फर्स्ट वी क्लियर द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डीसी नेटवर्क्स, देन डीसी थ्योरम्स, देन एसी नेटवर्क्स, देन एसी थ्योरम्स, उसके बाद पूरा ट्रांजिएंट फ्रांजिएंट जो भी है एक्स वाई जेड, हम सारा का सारा कवर करेंगे. जैसे आप इसी में पीटीयू में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है आपका वो है नेटवर्क फंक्शन एंड टू पोर्ट नेटवर्क है, ये बाद में जाएंगे हम लोग करेंगे, और नेटवर्क सिंथेसिस एंड फिल्टर्स, जो फिल्टर्स है सारे, ये पास बैंड, लो पास बैंड, हाई पास बैंड, डिजाइन कॉन्स्टेंट के एम डिराइव फिल्टर्स, इन सब के भी न्यूमेरिकल आते हैं. इट्स आर वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं होगा इन सब में, किसी में भी आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताऊंगा, इतने ईजी वे में आपको बताऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा. आपको बस अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक क्लिक करना है. जैसे आपको कांस्टेंट के फिल्टर, तो कांस्टेंट के फिल्टर मतलब लेक्चर एक्सक्लूसिवली ऑन कांस्टेंट के फिल्टर, बियॉन्ड दैट मैं कुछ भी नहीं डिस्कस करूंगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है. वी आर इंजीनियर, वी आर एफिशिएंट इंजीनियर्स, तो हम टाइम को सेव करें.
पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंसेप्ट लेंगे, क्योंकि होपफुली जितने भी हमारे रीअपीयर या बैकलॉग वाले बच्चे हैं जिनका सर्किट थ्योरी में बैक लग गया है या बेसिक इलेक्ट्रिकल में बैक लग गया है, तो जो चार चीजें मैं बता रहा हूं क्लियर करूंगा, उससे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल और सर्किट थ्योरी पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन आ गए, इवन आईकेजी पीटीयू ने भी नोटिफिकेशन दिया है कि सारे रीअपीयर पेपर लगेंगे ट्रेडिशनल वे में। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके रीअपीयर्स के पेपर जो है वो ओबी हो जाए, ओपन बुक एग्जाम हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, कोई भी यूनिवर्सिटी ये करने के लिए नहीं जा रही है। क्लियर है ये चीज? और आपको अभी आप मान लिया जाए फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में गए हैं और आपका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का सर्किट एनालिसिस बैकलॉग पेपर है, तो आप इसी सेमेस्टर में उसको चाहिए कि मैं क्लियर कर लूं, क्योंकि सर्किट एनालिसिस इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रिकल। आपको अगर नहीं आएगा तो आपसे कुछ भी आगे कोई सब्जेक्ट आपसे बेसिक के अलावा आप ज्यादा डीप में स्टडी नहीं कर पाए। मशीन पूरा का पूरा नेटवर्क एनालिसिस लगेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा नेटवर्क एनालिसिस लगेगा, पावर सिस्टम पर यूनिट इंपीडेंस जितने भी सर्किट्स बनेंगे, चाहे ट्रांसमिशन नेटवर्क हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, सब जगह केवीएल केसीएल और सर्किट एनालिसिस के रूल्स लगेंगे। तो आप अगर ये सोचते हो कि सर्किट एनालिसिस को आप स्किप करके चल जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने पूरी की पूरी ए चक्रवर्ती जो बुक है, मोटी की मोटी बुक, अपने सिलेबस के बाहर भी लगाया हुआ है उसे। क्यों? क्योंकि मैं 13 ईयर से टीचिंग लाइन में हूं, तो मुझे बच्चों को बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस एक मेथड से मैं बता रहा हूं उसी मेथड समझ में, मल्टीपल मेथड है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। और चलो यूनिवर्सिटी पेपर में डायरेक्ट लिख के आ जाएगा कि सॉल्व दिस सर्किट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम या थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स, सारे ऑब्जेक्टिव पेपर है, और वहां पे आपको किसी थ्योरम के बेस पे नहीं जाना। आपको तो भैया फाइनल आंसर निकालना है कि सर्किट में कितना करंट हो रहा है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना पावर लॉस हो रहा है, कितने ज्यादा उसमें वोल्टेज लेवल है, कहां ब्रांच ब्रांच करंट क्या है, नोड वोल्टेज क्या है, यही सब निकालना है। तो सारा का सारा आप अगर आप सोचोगे, मैं सारा का सारा पेन से हैंड रिटन अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको ड्यूरिंग माय लेक्चर। एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, बोर्ड पे सर्किट सॉल्व होगा, आपके सामने सॉल्व होगा, कोई रीटेक नहीं, सीधा का सीधा सॉल्व करेंगे हम लोग। और आपने अगर बेसिक क्लियर कर लिए अपने कॉन्सेप्ट्स के सारे नेटवर्क थ्योरम्स और जो सर्किट थ्योरी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं आगे के किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप कोई भी चीज बनाएंगे नेटवर्क, तो उसका सर्किट तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, चाहे ट्रांसफार्मर हो, डीसी मशीन हो, कुछ भी, और वहां वही केवीएल केसीएल लगेगा। और थ्योरम तो इसलिए है कि जब केवीएल केसीएल ज्यादा लेंदी हो जाता है तो वहां पे हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट बनाओगे, उसमें कैसे निकालोगे कहां पे कितना आपको वोल्टेज मिलना है आउटपुट में, इन द टर्म्स ऑफ, अगर मैं सिंगल फेज थ्री फेज रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं, तो इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। आप जाइए, ट्रांजिएंट पढ़ना है, ओरिजिनल बुक नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, आपको हमेशा पायरेटेड कॉपी ही मिलेगी वेल्कन वर्क की, जो मैंने लिखा हुआ है सेकेंड नंबर पे दिया है मैंने उनको। सर्किट थ्योरी में अगर आप न्यूमेरिकल उससे सॉल्व करके जाएंगे और वही आंसर लिखेंगे तो आपको चोट हो सकता है। सर्किट उठाइए, कंसेप्ट है, बट सॉल्व आपको करना है, क्योंकि बुक्स में बहुत जगह प्रिंटिंग मिस्टेक मिलेंगी आप। और प्रिंटिंग मिस्टेक क्या होता है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप जीके दुबे की इंडस्ट्रियल पावर ड्राइव्स की बुक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल जाके देखिए, सॉल्व करिए, 1941 आंसर है, वो गलत आंसर है। और उस एक गलत आंसर के कारण मेरे साथ में जब मैं बीटेक कर रहा था, आप सरप्राइज हो जाएंगे, जो मेरे साथ के बच्चे थ्रू आउट ऑल क्लियर चल रहे थे, उनका बैकलॉग आ गया 35 स्टूडेंट का इन 7 सेमेस्टर, और 8 सेमेस्टर में रिजल्ट पे लिख के आया डिग्री पे विद हेल्ड। आपको मैं बुक रेफर कर रहा हूं टू लर्न द कंसेप्ट ओनली, उसको रटने की जरूरत नहीं है एज एन इंजीनियर, आपको रटना नहीं है, आप बीए के स्टूडेंट नहीं है कि आप उसको रट रहे हैं, रटना नहीं है भैया, रटने के लिए तो आप बीए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग क्यों करने आ रहे हो, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत है, कंप्यूटर करो, प्रोग्रामिंग को रट लो एज इट इज, और
उस पे कॉपी पे लिख दो पास। इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स मांगता है और कंसेप्ट्स के लिए यू हैव टू सॉल्व। जब तक पानी में आप उतरेंगे नहीं तब तक आप पानी का डायमेंशन पता नहीं कर सकते वो कितना गहरा है। ऊपर से सिर्फ हम एजम्पशन कर सकते हैं कि हमने वो फेंका इतना गहरा गया, इतना आवाज आया तो इतना गहरा होगा। वी जस्ट एज्यूम, बट प्रैक्टिकल के लिए आपको उस पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, सर्किट थ्योरी से घबराना नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए। मैं 15 अक्टूबर तक थ्योरम सारे कंप्लीट कर दूंगा, 50% पार्ट ऑफ द सर्किट एनालिसिस, और उसी के आसपास आप लोगों के लिए पेयर के पेपर लगने हैं ट्रेडिशनल वे में, क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा है कि जब केसेज 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे मैं उसी दिन स्कूल खोल देना है। फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे कई फ्रेंड से मेरे इस चीज पे डिस्कशन हुआ, कोरोना इज नॉट ए डिजीज, इट जस्ट लाइक एज ए क्रिएट हुआ बाय अदर पीपल्स, और कुछ नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ कॉल्ड, और लिख के नोट करके ले लो, ये सारा का सारा मजाक चल रहा है सिस्टम से। आप 3 जगह चेक कराइए अपने कोरोना को, 2 जगह पॉजिटिव आएगा, 1 जगह जरूर निगेटिव आएगा, चैलेंज है मेरा। तो ये सारी चीजों में आप मत पड़िए, अपना कंसेप्ट कोरोना काम नहीं देगा, आपका जो कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बनेगा वही आपको काम देगा। तो उसके लिए आपको एक अच्छी इनमें से किसी भी एक रेफरेंस बुक को उठा के आपको लग जाना है सर्किट सॉल्व करने के। मैं आपके साथ खड़ा हूं, विश यू ऑल द बेस्ट, और कोई प्रॉब्लम सर्किट एनालिसिस में आप मेरे हर एक वीडियो के बाद उसमें कमेंट करिए, आपको कोई से कोई टिपिकल से टिपिकल नेटवर्क का सर्किट हो मैं सॉल्व करूंगा, ओपन चैलेंज, क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।